बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, शादो आबाद होंगे। आज हम मौजूद हैं इस वक्त अपने मैं मकसद में मौजूद हूँ अपने ससुराल में। मेरी सासू मम्मी के घर वहाँ आई है काओ, वहाँ पर गाय आई है, तो ये लोग लेने गए हुए थे। अब्दुल्ला लेकर आया है, अब्दुल्ला बाजी का बेटा है, बड़ी मतलब ननू का बेटा। वो भी गायें लेकर आया था घर में, तो उसका जो है बड़ा खुशी से वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हुआ होता है कि भाई हमारी गायें आ गई है। छोटा भाई है ये, छोटा देवर शान, ये जो है घूम रहे थे घर में, गाय लेकर आए। गाय को लाके जो है बांध दिया था, फिर ये था कि बस थोड़ी देर में हर बंदा आने वाला था। गाय को कुछ ना कुछ प्यार लाड, किसी को गाय देखनी थी, किसी को गाय को प्यार करना था, कोई ना कोई आ ही रहा था मुसलसल। फिर हमने सोचा चल हमें जैनब ने भी देखनी है, तो अनुषा ने जैनब को गोदी लिया और जैनब मुझे दिखा रही थी। ये भी अपने काम में लग गए कि गाय को प्यार वगैरह करना और गाय को लाड वगैरह करना। और जानवर लिया है तो माशाल्लाह से इसकी खिदमत भी की जाएगी। अल्लाह ताला ने जो दिया है हमें कुर्बानी करने के लिए जानवर, इसकी जो है खिदमत गुजारी करना अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। गाय जो है बड़ी मस्ती खोर सी हो रही थी, मस्तियाँ कर रही थी गाय उस वक्त। मैंने सोचा गाय की सेल्फी, गाय के साथ जो है मैंने भी सोचा कि तस्वीर बना लूँ। मैं तो बैग पे जाकर खड़ी हो गई थी, मगर मैंने अनुषा से कहा कि वीडियो बनाएं आप, गाय की सेल्फी ले लें। तो गाय की सेल्फी भी ले ली मैं, खड़ी देख रही थी बैग से कि भाई गाय खड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था गाय से, मगर गाय कुछ कह नहीं रही थी। मैं तो डर रही थी कि भाई गाय कुछ कह दे ना कहना दे मुझे, तो बस थोड़ा जब नहीं नहीं आती है तो थोड़ा बहुत डर होता है। फिर हम गाय को अपने घर ले आए तो ये बैठे हुए गाय को नाते सुना रहे थे, इसलिए बड़े पुरसकून तरीके से नाते सुना रहे थे। और गाय भी माशाल्लाह से पुरसकून और निराले तरीके से जो है अल्लाह ताला का जो हम दो सुनाए नाते हैं वगैरह वो सुन रही थी। लाजमी सी बात है, अल्लाह ताला के वहाँ में कुर्बान होने वाला जानवर है, अल्लाह ताला इसके दिल में भी कोई ना कोई ऐसी बात डाल ही देते होंगे कि भाई इसको कुर्बान होना है, अल्लाह की राह में जाना है। माशाल्लाह से जानवर जो है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत, अल्लाह ताला ने कुदरत की क्या करिश्मे बनाए हैं। पर रात गुजरी, गाय जो है बनी हुई थी बाहर, बच्चे जो है सुबह के टाइम खेल रहे थे और गाय बनाई हुई थी। डॉगी था ये तो, मगर डॉगी को भी बच्चों ने काओ बनाया हुआ था कुर्बानी की। गाय बड़े बड़े खुश हो रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं भी देख रही थी बच्चों को कि बच्चे किस तरह से अपने खेल खेल में और किस तरह से अपने शौक को जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों को भी कितना शौक होता है कुर्बानी वगैरह करने का। बस अल्लाह ताला बच्चों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश रखे। इनके बेटियों के नसीब अच्छे करें मेरी और बच्चों के भी, अब्दुल्ला का भी। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सब बच्चों को। अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि भाई सब बच्चों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनके नसीब अच्छे करे। ये सब जो अपने फ़ोन पर मशरूफ थे, मगर आज उन्होंने बड़ी दुआएँ दी मुझे भी दुआएँ, मकसद बड़े खुश हुई मैं इनकी आज इस बात से कि उन्होंने मेरे चैनल के लिए सपोर्ट के लिए बोला। सुने आप लोग कहना चाह रहे थे? ये मेरी वाइफ है, ये बहुत अच्छी है, अल्लाह इनको खुश रखे, बहुत ख्याल रखती है मेरा। ब्लॉग बना रही, अल्लाह इनके इनको कामयाब करे। ये बहुत मेहनत कर रही है यूट्यूब पे, तो आप लोग सपोर्ट करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस अभी तो मैंने यही कह दिया, मैंने आपको पहली दफा तो मैंने बोला, वरना तो मैं शाम हुई तो सोचा गाय को अब नहलाना चाहिए। फिर गाय को नहलाने का प्रोसीजर शुरू हो गया और भी बाहर ले जाकर जो है गाय को नहलाना शुरू किया। मामू जो है मेरे मामू ससुर ये और माय हस्बैंड अली खान, ये जो है गाय को नहलाना शुरू कर दिया। गाय जो है नहाने को पहले तो तैयार नहीं थी कि मैं नहीं जी मैं नहीं नहाऊँगी मैं नहीं नहाऊँगी। गाय ने बड़ा तंग किया इन लोगों को बहुत ज़्यादा, इधर से उधर उधर से उधर इसने नचाना शुरू कर दिया। गाय से मैं बहुत डर रही थी क्योंकि गाय जो थी वो ऐसी हो रही थी कि जैसे अब हमें मारना शुरू कर देगी, और गाय बड़े गुस्से में थी। मगर इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और जो है गाय को बांधा।
और उसको नहलाना शुरू कर दिया। नहला ही रहे थे तो बच्चे भी अपने खेल में मशरूफ थे। फिर गाय को जो है इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं नहलाया जा रहा, अब क्या करना चाहिए। गाय नहा नहीं दिए, बड़ी मुश्किलों से इन्होंने फिर भी आहिस्ता आहिस्ता करके गाय को नहलाना शुरू कर दिया। नहलाते नहलाते फिर इनको ख्याल आया कि नहीं दिया अभी इसके लिए शैम्पू लेकर आया जाए, सर्फ लेकर आया जाए, साबुन लेकर आया जाए, वो काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने मंगा ली और गाय को नहलाना शुरू कर दिया। मैं गाय के लिए साबुन वगैरह भी लेकर आई। फिर इन लोगों ने पहले गाय को अच्छे तरीके से जो है सर्फ से नहला लिया, फिर मुझे साबुन का कहा, मैं इसके लिए अलग से साबुन मंगाया नहलाने के लिए। फिर साबुन लाए इन्होंने, फिर साबुन से इनको नहलाना शुरू करा, बाद में शैम्पू से नहलाया। बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त को चमका दिया, गाय गोरी चिट्टी हो गई, चमक गई। देखें किस तरह नहला रहे थे ये।
लोग जो है गाय को नहला ही रहे थे, तो बस तो मैंने सोचा कि चले अब घर में जाना चाहिए। मैं जो है घर में आ चुकी थी जाने के लिए, क्योंकि मेरी चाय जो है चूल्हे पर थी और ये गाय जो है नहला ही रहे थे और बस आने से स्टार्ट हो गई थी। मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया, तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय, सब्सक्राइब करें।